और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जयपुर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं थम रहा है राज्यवर्धन राठौड़ का विरोध। राठौड़ को जनसंपर्क के दौरान दिखाए काले झंडे दिखाकर की नारेबाजी। राज्यवर्धन गो बैंक के लगाए गए नारे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गाड़ी से उतरे और लोगों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के और आक्रोश और नारेबाजी के बाद गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो गए। राजपाल सिंह का टिकट काटने के क्षेत्र में आक्रोशित हैं ये, और राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने ये काले झंडे दिखाए। तो राठौड़ को दिखाए गए हैं काले झंडे, यहाँ पर नारेबाजी भी की गई, राज्यवर्धन गो बैक के नारे भी यहाँ पर लोगों ने लगा दिए। जनसंपर्क के दौरान ये काले झंडे दिखाए हैं, उसके बाद जब वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नीचे उतरकर लोगों से मिलने की कोशिश वो कर रहे थे, तभी ये काले झंडे और नारेबाजी शुरू हो गई, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के वहां से रवाना हो गए। यहाँ पे राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने ये काले झंडे दिखाए हैं, जिसको लेकर अब हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि लोगों के आक्रोश और नारेबाजी के बाद राठौड़ जो है वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। राज्यपाल सिंह के टिकट काटने से क्षेत्र में ये आक्रोश है, लोगों के बीच में गुस्सा है, और इसी को लेकर इन्होंने काले झंडे, देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके हाथों में काले झंडे हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर गो बैक, राज्यवर्धन गो बैक के नारे भी वो लगा रहे हैं। तो इस तरीके की ये घटना सामने आई है, उसको देखने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे ही गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, लगातार नारेबाजी और काले झंडे उन्हें दिखाते गए, जिसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। और चलिए और बढ़ते हैं आगे, भाजपा की टिकट वितरण पर अब पूर्व विधानसभा